नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस समय राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। राज्यसभा चुनाव की एक एक सीट को बचाने के लिए पार्टियों द्वारा बड़े बड़े तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं। 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। 10 जून को वोटिंग होनी है, लेकिन 11 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसे में अब 4 राज्यों की 16 सीटों पर तगड़ी रस्साकशी देखने को मिल रही है। और ये राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक। इन 4 राज्यों में इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में कितनी बेचैनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सारे दल अपने विधायकों को रिजॉर्ट और 5 सितारा होटलों में रख रहे हैं। उनको नए लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। पार्टियों की ओर से तो दलील ये भी दी जा रही है कि विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग कैसे देनी है। दरअसल इस बात की उन्हें ट्रेनिंग दी जानी है और इसीलिए उन्हें रिजॉर्ट में रखा जा रहा है। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि पार्टियों को इस दौरान हॉर्स ट्रेडिंग का कितना डर सताता है, सता भी रहा होगा। उन्हें डर है कि कहीं उनके विधायक पैसों के चक्कर में पाला ना बदल ले, क्योंकि अगर एक विधायक ने भी बगावत की तो मामला बिगड़ सकता है। हालांकि सवाल तो यही कि सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसे तामझाम क्यों किए जा रहे हैं, क्या आवश्यकता है इनकी? राज्यसभा के चुनाव और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए पार्टियों की जद्दोजहद कहां तक जायज है, ये भी बड़ा सवाल। आज चर्चा इसी पर। सवाल और भी बहुत सारे खड़े होते हुए, मसलन राज्यसभा चुनाव के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों, बड़ा सवाल है। राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। हर बार का यही खेल है, क्यों राज्यसभा का चुनाव, पार्टियों में क्यों है तनाव? विधायकों को छिपाएंगे क्या, तभी चुनाव जीत पाएंगे? अपने ही विधायकों पर इतना भी भरोसा नहीं? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस नेता विजय कौशिक साहब थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग के मोहम्मद अमीन साहब मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत शुक्ला साहब आप ही के साथ। राज्यसभा चुनाव आया, एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स लाया, क्यों सर, क्या होता है इसके पीछे का पूरा खेला, जरा समझाए। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ती है कि पार्टियों को अपने विधायकों को रिजॉर्ट में छिपाना पड़े? जब से राजनीतिक दलों में पलायनवादी स्वभाव के नेताओं को टिकट देने का चलन शुरू हुआ है, तब से इस तरह की स्थितियां पैदा हुई। देखिए, जब तक आप समर्पित अपने पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देते थे, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीतते थे, तो उनका समर्पण होता था राजनीतिक दल के बीच, तो उन्हें कहीं छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आप जब टिकट बंटवारा की बारी आती है तो आप देखते हैं जिताऊ कौन है, और जो जिताऊ होता है वो होता है पलायनवादी अवसरवादी स्वभाव का व्यक्ति। वो कभी किसी दूसरे दल में होता है, आज आपके दल के साथ है, तो आपके मन में निश्चित तौर पे ये आशंका रहेगी कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकता है, क्योंकि तो कल भी वो आपका नहीं था और आगे आपका कैसे रहेगा इस बात का विश्वास नहीं हो सकता। आप ये पिछले जो एक दशक की राजनीतिक स्थितियों का यदि आकलन करें तो हम पाते हैं कि इस समय पर जो है खिलाड़ी बदल गए हैं, लेकिन खेल की जो चौड़ है वो यथावत बिछी हुई है। एक समय था जब इस तरह का खेल कांग्रेस की तरफ से किया जाता था, आज उसी तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान में भी अगर देखें तो महाराष्ट्र और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा पेज पसार रखा है कि एक तरफ शिवसेना की सांसें अटकी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सांस अटक गई है। तो हमारा कहने का कुल मिला के जो आप रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये राज्यसभा चुनाव की ही नहीं, आप देखिए जब सरकार के संकट आता है तब भी इसी तरह से विधायकों को बसों में छुपा दिया जाता है,
फ्लाइट में लाद के दूसरी जगह रखा जाता है, और उन जगहों पर जहां उस पार्टी की सरकार होती है, और उन्हें तब तक रखा जाता है जब तक कि वो मामला सुलझ नहीं जाता। वो 15 दिन भी हो सकता है और 1 महीने भी हो सकता है। ये घटनाएं हमारे आपके सामने कई बार हो चुकी है। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों में ये समझ पैदा होनी चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ता को देखें, और जब आप अपने कार्यकर्ता पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह से स्थितियां बदलेगी और आज आपको धन बल का खतरा महसूस नहीं होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर इंदुकांत जी भी जुड़ गए हैं। इंदुकांत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन तमाम फैक्ट से जो अभी गिनवाए गए, और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सर क्या इफेक्ट, क्या साइड इफेक्ट, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? इंदुकांत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, प्रश्न बताएं। अभी मैं इंदुकांत जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, पार्टियों को अपने अपने विधायकों को छिपाना पड़ रहा है सर, ये विश्वास का या अविश्वास का मैं कहूं किस तरह का पूरा खेला खेला जाता है? आखिरकार अपने ही विधायकों पर विश्वास ना हो पाना सर, ये क्या दर्शाता है? शिल्पा जी देखिए, वास्तव में राजनीति में जो वैल्यूज का क्षरण हुआ है, जिस तरह से लॉस ऑफ मोरालिटी और एथिक्स हुआ है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और देखिए, हमारे मैं जिनको टिकट देता हूँ अपने MLA का, MP का चुनाव लड़ने के लिए, अगर उनके वैल्यूज में, उनकी सोच में, उनके कमिटमेंट में हमें इतना भरोसा नहीं है कि उन्हें भेड़ बकरी की तरह इकट्ठा करना पड़े, तो ये एक शर्मनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए और उन पार्टियों के लिए और अपने देश की पूरी व्यवस्था के लिए भी। इंस्पेक्टर है जो इंस्पेक्टर के एग्जाम देके आता है, वो सिक्योरिटी कर रहा है लॉ मेकर्स का। ये कितनी शर्म की बात है, इसका जवाब आज इस लोकतंत्र में किसी के पास नहीं है। जो भी पार्टी ऐसी हरकत कर रही है, एक हाई स्कूल पास, एक इंटर पास, BA किया हुआ इंस्पेक्टर एक लॉ मेकर की सिक्योरिटी कर रहा है, वो ये देख रेख कर रहा है कि किसी दूसरे पार्टी के पास न चला जाए, मिले नहीं। मतलब सरकार को अपनी उस पुलिस पे भरोसा है लेकिन अपने कानून निर्माता पे भरोसा नहीं है। या अपनी पार्टियों को अपने कानून निर्माता पे भरोसा नहीं है। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है देश के लिए। जी निश्चित तौर पर शोचनीय स्थिति है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लगातार इसे होता हुआ देखते आ रहे हैं। मोहम्मद अमीन, आपका टेक। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सीमाएं हैं अपनी और उनकी एक मर्यादा है। हमेशा हर पार्टियों से ही आग्रह किया जाता है, यही विचार रखा जाता है और उनके नेताओं से ही सोचा जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो भी चुनाव कराए, चाहे वो किसी विधान परिषद का हो, राज्यसभा का हो और विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, तो इसमें यही आशा की जाती है कि ये लोग निष्पक्ष तौर से रहेंगे और ईमानदारी से करेंगे। लेकिन अब कुछ सीमाएँ हैं, उनके तहत भी नियम और कायदे कानून हैं। जब ये लागू हो जाता है कानून, तो आपको याद होगा कि झारखंड में ये बहुत ज़्यादा चक्कर चला था, तो झारखंड में फिर ये बात होटलों में पैर से पकड़े गए थे और उनको सजाएं भी दी गई थी। लेकिन अब इसको कहाँ तक देखा जाए, कहाँ तक किया जाए, इसमें हर पार्टी का सहयोग होना चाहिए। हाँ। जो हर तरीके से करें, एक मॉरलिटी होती है। अभी जो हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि इनके अंदर एक मॉरलिटी, सिंसेरिटी या डेडिकेशन नाम की चीज़ होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इन लोगों को जो टिकट दिए जाते हैं हर पार्टी के लोगों को, मोस्टली वो सुनने में यही आया है। हाँ। हमें पता नहीं, ध्यान देखा है हमने ना, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। हाँ। ना देखने को मिलता है कि इन लोगों से भी पैसे लिए जाते हैं। जब पैसे लिए गए तो अब ये क्या है कि इन्हीं, जब सरकारें बनती हैं या इस तरह के चुनाव होते हैं, उसमें ये अपने पैसे वापस लेने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह का खेल करते हैं, बिकना चाहते हैं कि और खरीदने वाले उनको खरीदते हैं, उससे उनका कंपनसेशन होता है। मैं तो यही नतीजे में पहुंचा हूं। इसके लिए तो अब उनकी पार्टियों के लीडर्स को चाहिए, हर पार्टी के लीडर को चाहिए कि अपने अपने कुछ मॉरल और इथिक्स होने चाहिए, जिसके तहत ये पार्टी का संविधान उनका हो, उसके तहत वो काम करें और चुनाव हो जाए। लेकिन देश का चुनाव तो अब इन्हीं लोगों से कराना है, वही MLA हैं जिनसे चुनाव लेना राज्यसभा के लिए, वही वोट करेंगे उसमें, और उन्हीं MLAs की, उन्हीं विधायकों की विश्वसनीयता इस तरह से कटघरे में खड़ी होती हुई। वैभव अग्रवाल जी, आप क्या मानते हैं सर,
ये नौबत क्यों आती है और क्या वाकई में राजनीति में वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, नैतिकता की जब हम बात करते हैं, वो इस हद तक गिर चुकी है? शिल्पा जी नमस्कार। देखिए वैल्यू सिस्टम्स इन पॉलिटिक्स, और अच्छा आपने एक प्रश्न उठाया है, और वैल्यू सिस्टम्स तो राजनीति में तब हो सकते हैं जब हमें राजनीति का मतलब समझ आए। इसके कई पहलू हैं। देखिए हमारा आज का पैनल, थैंक गुडनेस आपने ऑपोजिशन से किसी को नहीं बुलाया और थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकता है। बाकी तीनों पैनलिस्ट मेरे सीनियर हैं, आप और हम एक हम उम्र हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरे विचार में राजनीति अपने में एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि राजनीति होती क्या है और उसके वैल्यू सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, बने जाते हैं या सीखे जाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि राजनीति, लोग राजनीति में इसलिए आते हैं क्योंकि वो राज करना चाहते हैं जनता के ऊपर, वो राज्य की नीति नहीं चलाना चाहते हैं। तो अभी मेरे मित्रों में से किसी एक पैनलिस्ट ने बात करी थी कि एक अनपढ़ गवार 10वीं पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा तो वो क्या वैल्यू सिस्टम दिखाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं देखिए अपने राजनीतिक मित्रों में कुछ बुरा बनूंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो देश की सच्चाई है कि एक 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 मिनिस्टर या एक लॉ मेकर जो पावरफुल कुर्सी पे बैठता है वो एक आईपीएस या आईएएस को इतनी मुश्किल से पढ़ाई करके जो आता है, इतनी डिफिकल्टी से पढ़ाई करके आता है, उसको एक सेकंड में उसकी जगह दिखा देता है। बिल्कुल सही बोले। तो ये जो कंपैरिजन है ये इंडिया में बहुत स्टार्क कंपैरिजन है, और भाजपा जब से 2014 में आई है तब से इसके ऊपर बहुत सारे विचार हो रहे हैं और इस पे थोड़ी सी पॉलिसीज बनी भी हैं और कुछ एक एग्जीक्यूट भी हुई है। जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलता है। अभी जैसे ईडी ने विरोध किया, अभी राज्यसभा में कुछ बड़े नेता हैं जो अपने आप को बड़े समझते हैं महाराष्ट्र से, उनकी वोटिंग करने से मना कर दिया। एक यूपी में हमारी जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई थी, हरियाणा में एक बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई थी। उसी तरह नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी दो बच्चे या चार बच्चे, इस तरह करके जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि ये स्टेट इशू और सेंट्रल इशू दोनों में आता है। तो वो एक एक कंसल्टेशन के बाद इस बात को इम्प्रूवमेंट किया गया, एक पॉलिसी बनाई गई। तो देखिए इम्प्रूवमेंट तो हो रही है और उसके लिए एक राजनीतिक प्रारूप में, पॉलिटिकल विल जिसको कहते हैं, राजनीतिक मंशा जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है और उसकी बहुत बहुत दिमाग लगाने वाली बात होती है। लेकिन अब आपके प्रश्न को अगर हम दोबारा वापस उसी प्रश्न पे आ जाएं कि वैल्यू सिस्टम क्या होता है पॉलिटिक्स में, यानी सामाजिक तौर पर पॉलिटिक्स में इज्जत कैसे बनाई जाती है। तो अगर पॉलिटिक्स में राजनेता को राजनीति समझ ही नहीं आती है कि वो कर क्यों रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं मोहम्मद अमीन भाई से बोलूंगा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, तो अमीन भाई क्या कर रहे हैं, अमीन भाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। देखिए डिफाइंड डेफिनेशन है। मैं डॉक्टर इंदुकांत से पूछूंगा आप क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं पब्लिक पॉलिसी अवेयरनेस पे काम कर रहा हूं और पब्लिक पॉलिसी इंप्रूवमेंट पे काम कर रहा हूं। मैं राकेश शुक्ला जी से पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि मैं जनता की आवाज को एनालिसिस करके उसके फाइन पॉइंट्स बना के डिबेट कर रहा हूं ताकि उसमें जनता और एनहांस कर पाए और जो हमारे नेता हैं उन पे पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स करके पॉलिसी बना पाए, पब्लिक पॉलिसी बना पाए। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप डिबेट का संचालन कर रहे हैं, कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं, लेकिन एक राजनेता क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए मैं कटाक्ष करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, महत्वपूर्ण फैक्ट आपने उठाया यहां, और चाहे मेरे को कोई बुरा बोले। और आपने बहुत सही बात कही वैभव अग्रवाल जी, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर जनता के मन में कुछ इस तरह के भी सवाल उठते हैं कि भाई जनता जिन विधायकों को चुनकर लाती है उनके प्रति जिम्मेदारी क्या विधायक अपनी भूल जाते हैं और कुछ पैसों की लालच के चक्कर में, अपने फायदे के चक्कर में उनको दगा दे जाते हैं। करेक्ट। तो मैं अगर अपनी बात खत्म करूं आपकी इजाजत से शिल्पा जी, पहले चरण में तो आप देखें, अब ये बात तो आ गई एक वैल्यू सिस्टम की, हमने ये समझ लिया कि वैल्यू सिस्टम राजनीति में कैसे आ सकता है, बहुत कम आ सकता है। आप देखें भाजपा सरकार, केंद्र शासित सरकार इस बार जो आई है, इस बार और पिछली बार जो आई है और अगली बार जो आएगी, उसमें पढ़े लिखे मंत्री कितने हैं, इंटेलेक्चुअल्स कितने हैं,
कितने तो आईएएस ऑफिसर्स ही हैं हमारे मंत्री एस जयशंकर को देखिए, आईएफएस हैं, हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को देखिए, हमारे बहुत सारे लोग हैं, पीयूष गोयल हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, निर्मला सीतारमन हैं, क्वालिफाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, अनुराग ठाकुर हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस परिपाटी में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत की जा रही है। मैं आपने मेरे शब्द आधे ले लिए, आधे में पूर्ण कर देता हूँ। बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक राजनीतिक दल होने के नाते भारत की पॉलिटिक्स में, भारत की एज अ पॉलिटिको, नॉट अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिको, पॉलिटिको का मतलब हो गया पूरा एनवायरनमेंट। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ये जरूरत है इस देश की कि समय के अनुसार देश में पब्लिक पॉलिसी लाई जाए। और राजनेता जो होता है या नेता जो होता है वो पब्लिक पॉलिसी के अधीन होता है, जिस तरह एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है पब्लिक सर्वेंट होता है, ठीक है, यानी जनता का नौकर, जिस तरह प्रधानमंत्री अपने को प्रथम सेवक कहते हैं। आपने ये कड़वी सच्चाई बोली, उसमें बदलाव की शुरुआत है, ठीक है, उसमें बदलाव की शुरुआत है। पॉलिटिक्स करते नहीं, इसके लिए आपकी दाद देनी होगी कि आपने इतनी बेबाकी के साथ इस बात को स्वीकार किया। ये कड़वा सच है, वाकई में कड़वा सच है, और जिस कड़वे सच की घूंट हम सबको पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में राकेश शुक्ला जी, जो बात वैभव अग्रवाल जी ने अभी कही सर, लेकिन फिर भी देखिए, मानते हुए, स्वीकार करते हुए, फिर भी देखिए, तमाम दलों की मैं बात कर रही हूं, हर दल इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में शामिल है। ये अविश्वास विश्वास का जो खेला खेला जाता है, उसमें चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, खुद को सम्मिलित पाता है, इन्वॉल्व पाता है। मजबूरी क्या, सिर्फ सत्ता, सत्ता की मलाई सिर्फ इसलिए, चाहे उसके लिए जनता को धोखा तक क्यों ना देना पड़े। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभी हमारे वैभव जी बोल रहे थे कि हमारे सरकार में बहुत सारे आईएएस आईपीएस हैं। मैं दो चीजों को बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ। इंदू जी बोले बोले कि हमारे आईएएस आईपीएस जो है ड्यूटी दे रहे, मतलब कम पढ़े लिखे राजनेताओं। राजनीति में जो मेरा अपना मानना है, उससे दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक अनुभव, एक रचनात्मक सोच। शिक्षित होना तीसरी प्रायोरिटी है। यदि आपके पास अनुभव होगा, रचनात्मक सोच होगी, तो आप अच्छी क्रिएटिव योजनाएं बना सकते हैं। और यदि आपके पास अनुभव होगा, तो वो क्रिएटिव योजनाएं उस अनुभव के आधार पे आएंगी और वो जनता के लिए लाभकारी होंगी। तो आपका जो शिक्षित होना है, मुझे लगता है आईआईटी होके यदि आप रेल मंत्री हैं लेकिन कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे, आईएएस होके यदि आप कोई केंद्रीय मंत्री है कोई चमत्कार नहीं कर पा रहे, तो उससे अच्छा आजादी के बाद से लेके 1980 तक की सरकारों को यदि हम देखें, तो उसमें शिक्षा का स्तर जो हमारे नेताओं का था बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनके क्रिएटिव योजनाएं और उनका अनुभव बहुत अच्छा था। और शायद इसी वजह से आज हम यहाँ 21वीं सदी में इस पायदान पे खड़े। राकेश जी सही आपने कहा, एक्सपीरियंस की बात आपने की, क्रिएटिविटी की आपने आपने बात की, लेकिन ज्ञान का भी तो उतना ही महत्व है सर, क्योंकि ज्ञान के आधार पर तो तर्क वितर्क के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या उसमें कोई खामी ढूंढी जाएगी। वही कहने जा रहा हूँ कि अब जो तीसरा पायदान है हमारा शिक्षा का, हमारे राजनेताओं का शिक्षित कम होना, अनुभवहीन होना और आपका क्रिएटिविटी नहीं होना, ये जब तीनों फैक्टर आते हैं तो उससे ब्यूरोक्रेसी पूरी सरकार चलाता है, मंडाधार होता है। बिल्कुल, वो आईएएस वो आईपीएस आज भी देखे, चाहे स्टेट में हो या सेंटर में हो, आज वही राज कर रहे हैं, उन्हीं की योजनाओं पे अमल होता है। हम और हमारे राजनेता कोई सवाल इसलिए नहीं खड़ा कर पाते क्योंकि हमारे पास क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे लिए जो राजनीति के हिसाब से आवश्यक है, उसमें दो चीजों की प्राथमिकता हो। तीसरी, शिक्षा जो है वो होना चाहिए, शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि आपको नए के हिसाब से भी प्लानिंग तैयार करना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन अनुभव होने भी आपको जनता के लिए काम करना है तो अनुभव। लेकिन जनता के लिए कोई काम करना चाहे तो करेगा ना सर, फिर चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, एक्सपीरियंस क्यों ना हो, क्रिएटिविटी क्यों ना हो। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो जिन कार्यकर्ताओं से अपनी पार्टी का खाट के काम करवाते हैं, गरीब बिछाने से लेके रात में वहाँ रहने तक, उनको सोचना चाहिए इस बारे में, गांव की समस्याओं को सुनने का, उन्हीं नेताओं उन्हीं कार्यकर्ताओं में से भी कमीशन ने रिफॉर्म्स भेजे हैं, जनप्रतिनिधि बनाएंगे तो आपको रिसोर्ट पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोहम्मद अमीन कुछ कह रहे हैं, बोलिए सर। देखिए, मेरा ये कहना है राजनेताओं से
अभी तो वो अफसरों के ऊपर बात ये कह रहे थे कि अफसर ही सब करते हैं, और आप ये देखिए कि क्या है कि अफसरों को यही सिखाया जाता है कि हमें देश में डेवलपमेंट करना है, हमेशा एक अच्छा काम करना है, देश के लिए डेडिकेशन है। उन तो उनकी पॉलिसियां होती हैं और उसको हमारे राजनेता इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि 2013 की बात बता रहा हूं मैं, डॉक्टर एस वाई कुरैशी ने बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स किए थे और बनाकर प्रपोजल फुल कमीशन ने उसको अपने तरफ से पास करके सरकार को लॉ मिनिस्ट्री को भेजा हुआ है, जिसमें कभी आपने देखा होगा कि आधार से जोड़ना, हर वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ना, तो बहुत से ऐसे रिफॉर्म भेजे गए हैं जिसको करने के लिए सरकार को लागू करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त की सरकार ज़्यादा ही चिंतित है और वह ज़्यादा ही सिंसियर है और वो करने के मूड में, इसीलिए उसने शुरू कर दिया करना। मैं समझता हूँ इन सब के ऊपर भी अंकुश लगेगा, जो जी इस तरह की बातें करते हैं, ब्राइबरी की करते हैं, इधर उधर ले जाना पड़ता है, तो इसके लिए अंकुश लगेगा अगर वो इस तरीके से हो जाए, जिससे आतंकवादी हैं, विरोधी हैं, इस तरीके से विधायक है वो कहीं दल ना बदलने या फिर एंड मोमेंट पर हॉर्स ट्रेडिंग के शिकार ना हो जाए या फिर किसी लालच के चक्कर में ना पड़ने पाए, इसी वजह से उन तमाम विधायकों को रिसोर्ट्स पे शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि होगा क्या क्या नहीं वो तो मतदान वाले दिन ही पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा। वैभव अग्रवाल जी, आपसे एक छोटा सा सीधा सा सवाल, सर रिजर्ट पॉलिटिक्स सही है या नहीं? व्यक्ति विशेष या दल विशेष के बारे में कमेंट करने के लिए बोलेंगे तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर दल की अपनी अपनी एक अंदरूनी स्ट्रैटेजी होती है और वो अपने दल को किस तरह चलाना चाहते हैं और क्यों चलाना चाहते हैं और कैसे चलाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। लेकिन यदि आप मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन इस पे मैटर पे लें, और एक दल के हैसियत से तो मैं नहीं बोल पाऊंगा इस पे, सिचुएशन होती है अलग अलग, कभी कभी वो कहते हैं ना कि कभी कभी मौका है वारदात पे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और कभी कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी पूरे महकमे को साथ ले जाता है। तो मौका है वारदात क्या है, अपनी एक सिचुएशन डिमांड करती है और अगर उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर एक्शन आइटम होता है तो वो होता है दल विशेष के हिसाब से। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन इस बारे में लें तो मेरे व्यक्तिगत रूप में रिसॉर्ट पॉलिटिक्स में कई फायदे हैं और कई नुकसान हैं। और देखिए मैं भी एक राजनेता हूँ, मैं अगर मेरे हिसाब से देखो, लेकिन मेरे में फर्क सिर्फ इतना, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सा मैंने थोड़ी दुनिया देखी है, और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले, आपको पता नहीं है, मैं पहले हिंदुस्तान से बाहर रहता था, मैंने अपनी पढ़ाई भी बाहर पूरी करी, लेकिन मैं हिंदुस्तान वापस आया था केवल ऑफ कोर्स माँ के बुलाने पे, पर मैं वापस गया ही नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि देश में रह के देश की मदद करेंगे। और सर मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे सवाल का जवाब आप कब देंगे। तो नहीं मैं आ रहा हूँ, तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। जहां तक मेरा पढ़ा लिखा समझदार दिमाग ये कहता है, अपने नेता के नाते और देश के सेवक के नाते और एक दल के कार्यकर्ता के नाते, अगर एक सिचुएशन डिमांड करती है तो हो सकता है रिसोर्ट के अंदर मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो सकता है, आपस में वार्तालाप हो सकता है, पॉलिसीज पे डिस्कशन हो सकता है। देखिए कैमरा मीडिया तो होता नहीं है, लेकिन तो सर किस तरह से खरीद फरोख्त होती है सर, बाकी होंगे आप अच्छे तरीके से, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग नेता लोग भी तो जनता के प्रेशर में आते हैं, दबाव में आते हैं, अगर जनता का काम करते हैं तो परेशान होते हैं, तो अगर आपस में सब लोग मिलके एक परिवार के रूप में चले गए तो उसको सर वो तो बहाना है, सभागार दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट हाउसेस हैं वहाँ करिए ना, असल निशाना तो कहीं और होता है ना दरअसल। आपके सभागार बने हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस रूम बने हुए, करिए ना, ये तो कौन आ रहा है, ये तो हाँ एक मिनट, हम आप सही कह रहे हैं, लेकिन सभागार ये पुराने सोच की बात है, आज मॉडर्न सोच है रिसोर्ट पॉलिटिक्स, रिसोर्ट पे भी सभा कर सकते हैं, इतना पैसा फूंक कर खेल सकते हैं, जनता का इतना पैसा फूंक कर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। एक मिनट, तो वो देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप मेरे को कटघरे में खड़ा करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर बात में मैं कटघरे में खड़ा हो सकता हूँ, जनता का सेवक हूँ, तो जनता का अधिकार बनता है मेरे को कटघरे में खड़ा करना, लेकिन थोड़ी ढील तो देनी पड़ेगी ना, थोड़ी सी ढील, लेकिन अब उसका ये तो हमने देखा, चलो एक सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू बड़ा सिंपल है कि हॉर्स ट्रेडिंग का अंदेशा हो सकता है, एक व्यक्ति विशेष या दल को, एक दल विशेष को परेशानी हो सकती है अपने अपने जनप्रतिनिधियों की, कि भाई उनको उनको कोई लोभ प्रलोभ देके इधर उधर दल बदल ना ले, उनकी वोट ना ले ले। हाँ, डर इसी बात का होता है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता, ठीक है सर मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी जुड़ गए हैं,
मुन्ना जी, रिजर्व पॉलिटिक्स बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, हर कोई डरा हुआ है इस समय, हॉर्स ट्रेडिंग का डर अब सभी लोगों को सता रहा है, क्या कहेंगे आप? मैडम जी, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो हॉर्स ट्रेडिंग का डर तो थोड़ा सा है, क्योंकि जिस तरह से वो पैसे का बल, ईडीआई सीबीआई का बल, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। एक जो सार्वजनिक तौर पर जो होने चाहिए चुनाव, उसमें थोड़ी सी दुविधाएं आती है, तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, किस तरह से बीजेपी और बीजेपी के लोग किस तरह से सामने वाले पार्टियों पे, सामने वाले एमएलए पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपको अपने ही एमएलए पर विश्वास नहीं है सर? उन्हें रिजॉर्ट्स में शिफ्ट करने की नौबत क्यों आनी पड़ी? नहीं नहीं, हमारे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हालात ऐसे बने मैडम जी, रिसोर्ट में सेट करने के इसलिए हो गए, जो हमारे एमएलए हैं वो हमारे संपर्क में बराबर रहे। अगर ईमानदार एमएलए होंगे सर, तो वो टूटेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी करोड़ों का ऑफर उनके सामने रख दिया जाए। यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? नहीं 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 मैडम जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे एमएलए ईमानदार है, हमारे एमएलए में किसी तरह की कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। फिर बिल्कुल बिल्कुल ही सक्षम है सर, वो सारे ईमानदार है, प्रतिनिधि चुने हुए और जनता के विश्वास के ऊपर कायम है वो। हाँ? और वो दोबारा राज्यसभा जो भेजेंगे उनको, वो भी बिल्कुल ही ईमानदार और साफ छवि के लोग हैं। तो फिर रिसोर्ट क्यों शिफ्ट किए गए सर? हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राज, मैडम जी यही तो कह रहा हूँ कि रिसोर्ट में जो शिफ्ट किए गए हैं, तो अंदरूनी तत्व जो है, बाहरी तत्व है, ये जो बार बार जो शरारती तत्व है, जो पैसे का बल, धन का बल, वो दिखाने की बार बार धमकाने की जो कोशिश हो रही है, उनसे तो सेफ होंगे कम से कम, मैं ये कह रहा हूँ। अरे जो हमारे एमएलए हमारे साथ है, इसमें दुविधा की क्या बात है? बात तो वही है ना सर, कि अगर आपको इतना ही विश्वास होता तो फिर रिसोर्ट में उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर वो अंदर क्यों, वो बाहर भी फिर उतने ही मजबूत रहने चाहिए थे, ईमानदार रहने चाहिए थे। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। मोहम्मद अमीन साहब, आप ही का रुख करूंगी, आपने तमाम पक्ष सुन लिए, आपने बीजेपी को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस को भी सुन लिया, वरिष्ठ पत्रकारों के मत को भी आपने सुन लिया। सर, कहा भी जा रहा है कि नहीं भाई, सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए, कभी ये सही होता है, कभी ये सही नहीं भी होता है, लेकिन जनता के लिहाज से अगर हम इसे समझना चाहे तो सर, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह का संदेश जाता है लोगों के बीच में, और चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ कर सकता है, या कुछ कंट्रोल में नहीं है चुनाव आयोग के, कुछ कर ही नहीं सकता चुनाव आयोग इस पर? जनता ने इन प्रतिनिधियों को चुना हुआ है और अपने हिसाब से चुना है, और ये समझ के चुना है कि ये जनता के लिए न्याय करेंगे, जनता के हित का काम करेंगे। लेकिन जब ये लोग चुनकर आ जाते हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं, इनको क्या करना है क्या नहीं करना, अपने पार्टी के संविधान से परे भी चले जाते हैं, अपनी पार्टी की बातों के अलावा भी बातें करते हैं। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि पार्टियां भी छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, सब इनके हाथ में है। लेकिन क्योंकि अब क्या हुआ कि ये जो लॉ मिनिस्ट्री ने पास किया था कि ये जो बाहर जाएंगे तो रिजाइन दे के जाएंगे या 2/3 में जाएंगे, तो फिर नहीं रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पार्टी के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जो सरकार है, पुराने जो दिए हुए हैं संशोधन के लिए, वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। और जहाँ तक सवाल है कि अगर इनकी कोई कंप्लेंट, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में कोई कंप्लेंट आती है, तो हमारे इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैठे हैं, और सभी जो जिनको ब्रीफिंग दी जाती है वो इस वक्त एक्टिव होंगे। लेकिन कर तब सकते हैं जब कोई कंप्लेंट करे। तो देखिए ना, हर दल अपने हिसाब से लगा हुआ है, कोई किसी कंप्लेंट करता नहीं है। अगर सही तरीके से बात करें और बताएं चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग वहां पर छापे लगवाएगा। आपको मैंने पहले बताया था आपको कि झारखंड में एक बार पकड़ा गया था, तो लेकिन जो खुद इन्वॉल्व है, सारा कैश पकड़ा गया था होटल के अंदर, वो कैसे इन्फॉर्म करेंगे? अब खुद कोई तंत्र नहीं है आप लोगों के पास है सर? अमीन साहब जी, क्या कोई तंत्र नहीं है इसको लेकर कि कैसे पता लगाया जाए? आप कह रहे हैं कि अगर कुछ शिकायत आएगी, अरे जो विधायक खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो शिकायत आएगी कहां से? नहीं, लोकल इंटेलिजेंस लगी हुई है, चुनाव के टाइम में रहते हैं। अच्छा। लेकिन अब क्या करें भाई, अब हाँ। कोई आपस में बात हो गई कि हम घर पे पैसा दे देंगे, हाँ। तो अब वो तो सामने नजर नहीं आ रहा है। हाँ। अब ये तो जनता को डिसाइड करना है, और फिर सरकार को इस वक्त देखना है कि जो रिफॉर्म्स दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, हाँ। अगर वो रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं, धीरे धीरे कर भी रही है सरकार, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि इस पर अंकुश लगेगा, हाँ। और इस तरह की बातें खत्म होंगी। हाँ। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, हाँ। और वो भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जिसको कि जनता भी नहीं पसंद करती, और पत्रकार तो खैर क्या पसंद करेंगे, लेकिन सभी लोग जो सम्मानित लोग हैं, लेकिन ये हो रहा है।
इसको कम करने के लिए यही एक तरीका है कि इन पे अंकुश लगाया जाए। वो सरकार अगर पास कर देगी तो इन पे अंकुश लग जाएगा। जैसे आप देखिए कि कई चीजें आई हैं, ठीक है, उसमें उसमें रिफॉर्म्स हैं, अब रिफॉर्म्स होंगे। ठीक है मुन्ना जी, आप सहमत हैं, ये एक तरीके का राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है जो कि गलत है, अनएथिकल है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। पहले लगनी चाहिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैं ये साफ साफ लफ्जों में कह रहा हूँ आपको, ये लगाम बहुत जरूरी है लगना इन चीजों का। हाँ। जिस तरह से सामने वाली जो भी दल है, जिस तरह से सामने वाली जो भी दल है, वो हमेशा से जैसे धन और बल का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये चीजें रुकनी चाहिए। जो मत जो है, मत विकास के ऊपर होने चाहिए, और मत उनके हिसाब से होने चाहिए जो एक सक्षम व्यक्ति है जिनको राज्यसभा भेजना चाहिए, जो जनता की आवाज को राज्यसभा में उठा सके, क्योंकि वहाँ कानून बनने का काम है। तो ऐसे लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। और ये खरीद बिक्री खरीद फरोख्त का जो मामला है, इससे सीधा सीधा वो आदमी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जो जनता की आवाज उठा पाएगा। तो ये चीजें तो बहुत पहले रुक जानी चाहिए सरकार के द्वारा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, ये चीजें रुकनी चाहिए। इस तरह से धन और बल का प्रयोग हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई धन का बल का दुरुपयोग हो रहा है। इशारा आप समझ ही गए होंगे, बीजेपी से डरे बैठे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग से डरे बैठे हैं। भाई शिल्पा जी, मेरे को तो बड़ा डर लगता है ऐसी बातें सुन के, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी डरावनी पार्टी है, क्योंकि बाकी सब डर जाते हैं। कोई कहता है कि हमें भाजपा से डर है इसलिए हमने अपने एमएलए को बंद कर दिया, कोई कहता है कि हमें अन्य दलों से डर है कि हमने इसलिए अपने एमएलए को बंद कर दिया। भाई भाजपा ने तो अपने एमएलए को बंद नहीं किया, भाजपा को तो डर नहीं लगता, क्योंकि भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, एक लॉजिक रीजनिंग से अपने कैंडिडेट्स को लेके आती है, सबके साथ मिलके काम करती है, सबका साथ सबका विकास करने की इच्छा रखती है, इसलिए छल कपट अपन करते नहीं है, तो इसलिए अपने को डर नहीं है। और जहां तक कानून की प्रक्रिया की बात है, अमीन भाई ने बिल्कुल ठीक बोला। भाजपा सरकार सन 2014 से जब से सरकार केंद्र में सरकार आई है, तब से ये जो पार्लियामेंट में लॉज चेंज करने वाली बात है, उसके ऊपर मैंने पहले भी बताया कि कुछ लॉज बदल गए हैं, कुछ लॉज बदले जा रहे हैं, कुछ बिल पेंडिंग है। तो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा प्राइवेसी बिल पेंडिंग है, अब अगर जो विपक्ष है वो काम ही नहीं करने देगा पार्लियामेंट को, धरना प्रदर्शन करता रहेगा, रायता फैलाता रहेगा, अच्छा। हाय हाय करता रहेगा, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जनता के पैसे को नुकसान करेगा, तो ये तो उनकी गलती है। और फिर हम बिल पास कर देंगे तो फिर रोने आ जाएंगे कि हमसे तो हमारी सुनी नहीं, नहीं है, हमें तो कोई बात नहीं आपका जवाब करके रखा हुआ है। तो ये लोग तो डरेंगे ही ना, मतलब तो अन्य दल तो डरेंगे ही, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास इंटेलेक्ट नहीं है, इनके पास दिमाग वाले लोग नहीं है, उसमें क्या है कि इनका जो घड़ा है वो बड़ा खाली है। तो इसलिए मुझे इनके लिए, अन्य दलों के लिए मेरे को एक आवाज या एक फ्रेज याद आती है, एक बात याद आती है कि खोखा चना बाजे घना, ठीक है, हमारे राजस्थान में कहते हैं। मुन्ना खान जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद में डॉक्टर इंदुकान जी का रुख करूंगी। मुन्ना जी जल्दी से आपका रिएक्शन, कह रहे कि भाई आप लोग तो खाली है, काहे का आपको डर सता रहा है, हम क्या लेंगे आपसे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के मित्र से, थोड़ी सी भी मैं कहता हूँ, आप ये हिमाकत करने की कोशिश ना करें और इस तरीके का आरोप लगाने की कोशिश ना करें। जब बिल पास होते हैं बगैर किसी भी विपक्ष के नेता से समझौते या मीटिंग या कोई बैठक के, बगैर मनमर्जी से बिल पास होते, मोदी जी ले लेते। चलिए ठीक है, ठीक है सर, मुद्दे पर रहते हैं। रिजल्ट पॉलिटिक्स आज का मसला है, राज्यसभा चुनाव आज का मसला है, इसके साइड इफेक्ट्स आज का मसला है। सर आई एम रिक्वेस्टिंग, मसले पर रहते हैं। डॉक्टर इंदुकांत जी ठीक है, मोहम्मद अमीन से भी हमने सुना कि भाई रिफॉर्म्स लाए जाने की आवश्यकता है, इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन लगता है आपको विलिंगली कोई दल ऐसा करना चाहेगा, क्योंकि सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, वो हिडन एजेंडाज जिन्हें फुलफिल करने की कोशिश होती है इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आड़ में, वो कैसे फुलफिल हो पाएंगे फिर? बिल्कुल हो सकता है शिल्पा जी। देखिए जो मोहम्मद अमीन जी ने कहा कि 2012-13 में आयोग ने संशोधन प्रपोज कर करके सरकार के पास भेजा था लागू करने के लिए, लेकिन देखिए उसके लिए
जनता और सरकार दोनों का उसमें एक मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें करना है। लेकिन मैं दो तीन सवाल उठाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत आज की डेट में ये है कि रेप के कानून में संशोधन करने वाले लॉ मेकर्स पे खुद रेप का चार्ज होता है। मर्डर के कानून में संशोधन करने वाले लॉ मेकर्स जब बैठते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में बात होती है, तो उसमें मर्डर के चार्जेज वाले, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेज वाले लॉ मेकर्स होते हैं। तो ये कितना बड़ा मखौल है डेमोक्रेसी का कि जिस बारे में कानून बनाया जा रहा है, जिस पे रोकथाम की बात के लिए कानून बनाने की बात होती है, वो बनाने वाले कानून उसी एलिगेशन उसी चार्जेज में कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होती है। ये कितनी शर्म की बात है। तो इसमें एक देखिए पहल किया था, जैसा अभी मोहम्मद अमीन जी ने कहा और वैभव जी ने भी कहा, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो हमें एक बड़ी बात पसंद आई थी उनकी। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे देश के जितने लेजिस्लेचर्स हैं, चाहे विधानसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे काउंसिल्स हैं डिफरेंट कुछ राज्यों में, तो वहां पे एक चार्ज लगता है कि 30%, 40%, 25%, 50% तक लोग कहीं ना कहीं क्रिमिनल चार्जेज वाले लोग उसमें सदस्य हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक कानून लेकर के आए कि जो लोग भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके खिलाफ अगर इस ढंग के चार्जेज हैं तो उसकी सफाई हम 4-6 महीने के अंदर, 6 महीने टाइम बाउंड से साफ कर दें कि ये वास्तव में क्रिमिनल है कि नहीं है, सो देट हमारे लेजिस्लेचर पे इस ढंग के एलिगेशन हमेशा खत्म हो जाए, उन मामलों को लटका के न रखा जाए। लेकिन इस पे विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया। इवन हमको अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मैटर गया तो उन्होंने उस समय के तत्कालीन एक जज ने कमेंट किया कि ये कानून जो है सारे सिटीजंस के लिए बराबर होते हैं, ऐसा कोई विशेष कानून हम नहीं ला सकते, हम नहीं इसको देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जितने भी चीजें हैं लागू होनी चाहिए और जितने भी संशोधन जितने भी सुधार होंगे उतना ही लोकतंत्र परिपक्व होगा। एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए विशेषज्ञता मंत्रिमंडल में आवश्यक होती है, इसीलिए मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का, आप देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट जनता करती है, फिर वो एक्सपर्ट्स को लेकर के अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं और उससे देश को चलाते हैं। आपने देखा होगा जनरल पावेल थे इराक युद्ध के, उनको जब नया राष्ट्रपति चुना गया अमेरिका में तो उन्होंने अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया। तो देखिए जो इस ढंग का एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है वो, जैसे अभी आपके यहाँ अश्विनी वैष्णव जी आए हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट ये मैं नहीं मानता हूँ कभी भी जो हमारे कुछ साथियों ने कहा पैनल में कि आईएएस आईपीएस ही बड़े एक्सपर्ट होते हैं। देखिए पॉलिटिकल थिंकर जैसे गोविंद वल्लभ पंत हुआ करते थे, संपूर्णानंद जी हुआ करते थे, जो इस तरह के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में पॉलिटिक्स में ज्यादा होता है, सोच बड़ी थी। उनको मौका मिलना चाहिए लेकिन पढ़ाई लिखाई का एक स्तर तय होना चाहिए, जो आपने कहा हाँ वो भी उतना ही जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी क्योंकि उसके बाद फिर सर आपको जाना होगा। क्या लग रहा है सर, कंट्रोल लगाम लग पाएगी इस तरह की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर जो सीधे सीधे राजनीतिक भ्रष्टाचार को खुला न्योता देती है? देखिए हमारे जो इंदु प्रकाश जी भी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जिसने अपने जो जो भी बातें की जनता के बीच में, वादे किए, मुझे लग रहा है कि सब सामने आ रहे हैं और मुझे पूरी आशा है और कि ये जो कमीशन के द्वारा भेजी गई थी रिकमेंडेशंस उनमें परिवर्तन आएगा और वो पार्लियामेंट के अंदर जल्दी से जल्दी पास होंगी और जिससे कि इस बुराइयां दूर होंगी, तो जो भ्रष्टाचार है, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार या समाज में फैली इस तरह की कुरीतियाँ हैं, मैं समझता हूँ ये बाहर होंगी और इसके लिए बहुत बहुत मैं प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद दूंगा कि जल्दी से जल्दी इस बात को करें, लागू करें, वो सक्षम है, कर सकते हैं और करेंगे। वैभव जी ऊपर तक पहुंचा दीजिएगा इस बात को। चलिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण बात को रखने के लिए। मुन्ना खान साहब, अगर ऐसा होता है तो क्या विपक्षी दल इसमें साथ देंगे या वॉकआउट कर जाएंगे? बिल्कुल साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। जो चीजें जेन्युइन है तो पहले तो सुधार बीजेपी वालों के तरफ से होनी चाहिए, पहले तो सुधार उनको करने की जरूरत है जिस तरह से वो धन बल का प्रयोग करते हैं। मैं तो यही चाह रहा हूँ बार बार कि जो भी राजनीतिक हैं, जो भी हमारे जो भी दल है वो निष्पक्ष तौर पे चुनाव लड़े या चुनाव करवाए या चुन करके सांसद आए या राज्यसभा में आए, जो एक तरह से जो हमारे देश के अंदर जो माहौल बना है, जो क्रिएटिव किया जा रहा है, जिस तरह से IDSBI CBI
और धन और बल का जिस तरह से प्रयोग होकर के दबाया जा रहा है, और राज्यसभा की चुनाव की नहीं बात कर रहा मैं, और राज्यों के चुनाव में भी आपने देखा होगा अच्छा। किस तरह से धांधली मचाई जा रही है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले ये चीजें रुकनी चाहिए, उसके बाद जाकर के जो ये अपना संविधान है वो बहुत स्वतंत्र रूप से चलेगा। यानी कि आपके मुताबिक न सिर्फ राज्यसभा चुनाव बल्कि तमाम जो राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होते हैं वहां पे भी कहीं ना कहीं धन और बल का दुरुपयोग होता है। वैभव अग्रवाल जी, आपकी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अमीर पार्टी, वाकई में इन चीजों में लगी हुई है क्या? मैं आपसे अगर एक रिक्वेस्ट करूं कि आप मेरे से स्ट्रेट क्वेश्चन कीजिए, किन चीजों में लगी हुई है? सर यही खरीद फरोख्त में, धनबल के दुरुपयोग में, जैसा कि आरोप मुन्ना खान जी की तरफ से लगाया जा रहा है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक हमारे भारत की राजनीति के नहीं हमारे कर्नाटक में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, किस तरह से उदाहरण भी पेश कर रहे हैं, इस चीज सुन लीजिए, पूरे देश ने देखा, कह रहे हैं बिल्कुल। कर्नाटक और गोवा क्या हुआ, ठीक है सुन लेते हैं, खान साहब सुन लेते हैं, जवाब दे रहे हैं। कई बार खान साहब क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अपन क्या है, एक धारणा बना के किसी भी कमरे के अंदर चले जाते हैं तो फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाती है उसको अपनी धारणा को बदलना, क्योंकि हमारी एक वैश्विक नीति जो है वो वैश्विक नीति ये हो जाती है कि हमें अपनी गलती कभी सुनने का शौक नहीं होता है। तो ये एक धारणा होती है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। जब 2014 के सन 2014 में मोदी सरकार केंद्र में स्थापित हुई थी एनडीए के प्रारूप में, तो एनडीए के प्रारूप में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार केंद्र में स्थापित करके न सिर्फ पहली टर्म में इतने सारे अच्छे अच्छे कार्य कर देगी जो कि अपने मैनिफेस्टो में बोले गए हैं, बट अपनी दूसरी टर्म भी ले आएगी और तीसरी टर्म की और चौथी टर्म की तैयारी पहले ही करके बैठे हुए हैं। यानी कि मैनिफेस्टो को एक फेज वाइज आपके धनबल से नहीं बल्कि आपके विकास से विपक्षियों को डर लग रहा है, ठीक है? शिल्पा जी आपने आधी बात बोली, बिल्कुल सही बोली कि हमारे विकास की जो तरक्की की जो स्पीड है उससे अन्य दलों को डर लग रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं, वो सोच ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मैं दो चार विकास के जो दो चार विकास है वैभव जी, वो गिनती करवा दे चैनल के माध्यम से। एक एक करके सर, वन बाय वन, मुन्ना खान साहब देखिए देखिए सर, एक एक करके बोलना चाहिए। एक मिनट का जी जी वन बाय वन जी। तो न सिर्फ शिल्पा जी आपने बिल्कुल सही बोला, न सिर्फ विकास की वजह से अन्य दल बोल रहे हैं, क्योंकि विकास की मानसिकता ही नहीं है, वो सबके देश में पिछड़े लोगों को पिछड़ा ही रखना चाहते थे इतने सालों से और वो उसका फायदा उठाना चाहते थे, इसलिए विकास की मानसिकता ही नहीं है आज, क्योंकि भाजपा ने विकास करके दिखाया है, विकास का मतलब बताया है, डेफिनेशन बताई है, उसके रास्ते चल गए हैं। और न सिर्फ विकास बट भाजपा की जो साफ सुथरी राजनीति और सबका साथ सबका विकास करने वाली राजनीति है अच्छा। उससे अन्य दल अचंभित हो रह गए हैं और वो केवल न सिर्फ इस तरह की सोच रखने में असक्षम है अच्छा ठीक है, ये विपक्षी दलों की इनसिक्योरिटीज है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कुल मिलाकर? चले ठीक है वैभव जी, तो फिर आप ये बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने विधायकों को जयपुर के रिजॉर्ट में रखा हुआ है, क्यों आप लोगों को भी ये नौबत आन पड़ी? महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अपने विधायकों को होटल ताज प्रेसिडेंट में रखा हुआ है सर, जानकारी होगी आपको, क्यों? देखिए मेरे को अभी जो जानकारी मिल रही है वो मीडिया से ही मिल रही है, मीडिया में रिपोर्ट कितनी सच है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता है, आधिकारिक तौर पे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं उस रिसोर्ट का हिस्सा नहीं हूँ। अगर आपके पास पास वास मिल जाए तो मेरे को भी भेज दीजिएगा, हम भी थोड़ा घूम आएंगे, थोड़ा छुट्टी ले लेंगे गर्मी से। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि हो सकता है ये एक मौका ऐसा रहा हो जहां पे दल ने ये डिसाइड किया हो कि हमारे विधायक यदि दो तीन दिन की छुट्टी पे जाएंगे तो उनको एक तो वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि नए नए विधायक बनके आते हैं और सबको वोटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वो इंक कैसे होती है, पेन कैसे इस्तेमाल किया जाता है ताकि वोट खारिज ना हो जाए, ट्रेनिंग ताकि स्याही कांड ना हो जाए। याद होगा सर आपको 2016 का हरियाणा का वो राज्यसभा चुनाव, सुभाष चंद्रावाला, याद होगा आपको वो स्याही कांड? स्याही कांड सुना सुना सा लग रहा है लेकिन ऐसे ध्यान नहीं है मेरे को एकदम से,
राकेश शुक्ला जी वो भी याद दिला सकते हैं। चलिए ठीक है राकेश शुक्ला जी, मेमोरी थोड़ी कमजोर हो रही है वैभव अग्रवाल जी की, और क्या इसी डर की वजह से, हालांकि कहा जा रहा है कि भैया ट्रेनिंग देनी है कि भाई स्याही का रंग पहचानना है, पेन ना बदल दिया जाए, कुछ गड़बड़ झाला ना होने पाए, क्योंकि एक एक वोट का सवाल है, राकेश जी याद दिलाना चाहेंगे कुछ? जी मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो जनपद की चुन के आए, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे राजस्थान के, हाँ। अब आप देखिए कि राजस्थान का चुनाव कब हुआ था, राजस्थान का चुनाव हुआ था 2018 में, 2018 में मध्य प्रदेश राजस्थान सभी जगहों का एक साथ चुनाव हुआ, तो 2018 से लेके अब 22 तक क्या ट्रेनिंग देना मुनासिब नहीं समझा गया कि विधायकों को ट्रेनिंग दे दिया जाए कि आगे आपको विधानसभा के अंदर कैसे वोटिंग करना है और राज्यसभा के मतदाताओं को लेकर कैसे वोटिंग करना है। अब जिन विधायकों को यदि इस तरह की वोटिंग करने की मुझे लगता है ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो तमाम राज्यों में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव भी होना है, उसमें भी विधायकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो। तो ये ट्रेनिंग वाली जो बात होती है, ट्रेनिंग के लिए एक खास अवसर ही तो चुना जाता है विधायकों को ट्रेनिंग देने का, उसके लिए तमाम अवसर होते हैं वो देना चाहिए। कुल मिलाकर ये तो बहाना है, ये सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से सफाई पेश की जाती है जो गले नहीं उतरती। कुल मिलाकर कहना मेरा ये है कि यदि चुनाव सुधार की बात की जा रही है, चुनाव सुधार की बात की जा रही है, तो शिल्पा जी मैं ये कहूंगा कि अभी चुनाव आयोग के पास जिस तरह के कानून है वो कानून इतने कमजोर नहीं है कि इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सके। आपको भी याद होगा कि उन्हीं पुराने प्रावधानों के तहत ही जब हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त टीएन सेशन जी बने थे, उन्होंने चुनाव में बहुत हद तक सुधार किया था और उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किया था। तो आज जो बात कही गई अमीन जी की तरफ से रिफॉर्म करने की जरूरत है, निश्चित तौर पे सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए और समय की मांग है, लेकिन अभी मौजूदा जो कानूनी प्रावधान है वो प्रावधान इतने कमजोर नहीं है कि आप इस तरह की हालात चाहे किसी भी दल की तरफ से बनाए जा रहे हो। नए तो रिफॉर्म जब आएंगे तब आएंगे, जो मौजूदा है उन्हें ही थोड़ा और मजबूत कर लिया जाए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी, आप सभी लोगों से मुझे जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर इंदुकांत जी, आपका फाइनल कमेंट सर, आपका कंक्लूजन और क्या लग रहा है कल क्या होने वाला है? शिल्पा जी देखिए, आपने स्याही कांड की याद दिलाई किस तरह से हरियाणा में 6 साल पहले कांग्रेस विधायकों के जो वोट थे उसमें इस ढंग की स्याही का इस्तेमाल आया, इस ढंग की बात आई कि उनके सारे के कैंडिडेट के सारे उनके अधिकतर विधायकों के वोट कैंसिल हो गए थे और सुभाष जी जीत गए थे। तो इसके लिए रोक के लिए इस बार विशेष तौर पर, जो कि आपने याद दिलाया, बता दूं सभी की जानकारी के लिए कि चुनाव आयोग ने विशेष व्यवस्था की है कि इस बार ऐसा कांड कहीं भी न होने पाए, इसलिए सबको अलग अलग पेन दी जाएगी आयोग की तरफ से वोट देने के लिए। नंबर वन, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा, देखिए लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ जो हमारे लोकतंत्र में एक व्हिप का सिस्टम है, व्हिप जारी करती पार्टी, ये बेसिक लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। अगर आप अपने विधायक को अपने विचार से वोट देने का अधिकार, किसी बिल पे अपना मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं दे सकते, तो इनर डेमोक्रेसी नाम की चीज कहाँ है? और अगर सभी विधायकों को यह मुक्त किया जाए कि आप अपने हिसाब से वोट करें और आपको अपने सिद्धांतों पर और अपने विधायक के, अपने सांसद के कमिटमेंट के ऊपर अगर भरोसा है तब तो लोकतंत्र है, और ये नहीं है तो रिसोर्ट तंत्र में लोकतंत्र ढूंढना बहुत ही गलत है। लेकिन ये भी आपने बहुत मुश्किल बात कह दी इंदुकांत जी, ऐसा भी संभव होता हुआ फिलहाल तो हाल फिलहाल की राजनीति में और स्तर जहां तक पहुंच चुका है राजनीति का, संभव दिखाई देता नहीं। मुन्ना खान साहब, फाइनल कमेंट आपका, नींद आएगी रात को नहीं आएगी? जी मैं कह रहा हूं कि मैडम जी की नहीं, मैडम जी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी हमारे अंदर, जो भी हमारे जितने भी एमएलए कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कॉलोनियों के अंदर, आप एक सैंपल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल, कॉलोनियों के अंदर अगर चोर घूमेंगे तो घर में तो ताला लगेगा ही, अगर बच्चे उठाने वाले घूमेंगे तो बच्चे को तो सेफ करने पड़ेंगे। मेरा यह सीधा कहने का मतलब है, जिस तरह से आप तो ज्यादा बोलने का आपने बोला, बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब देना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने संज्ञान ले रखा है, मैं समझता हूँ इस बार कोई भी किसी तरह का गड़बड़ वाला नहीं होने वाला है, विश्वास है। चलिए ठीक है सर, राकेश शुक्ला जी आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर।
नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों नहीं, सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि जिस स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है, स्वयं सुधार करेंगे तो अपने आप ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार होगा। होगा, खुद के गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है, खुद से इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वैभव अग्रवाल जी, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी, आपने आज की बहुत अच्छी डिबेट करी और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना अच्छा प्रश्न किया। सिक्के के दो पहलू हैं, एक राजनीतिक पहलू है और एक पब्लिक पॉलिसी पहलू है। राजनीतिक पहलू पहले, राजनीति में हमारे विधायकों को अगर आपने कभी किसी रिसॉर्ट में देखा है तो वो केवल और केवल इसी मंशा से देखा है कि उनको उनकी टर्म के लिए समय नहीं मिल पाता है जनता के लिए काम करने से, तो शायद ये समय बेस्ट रहता है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, दो तीन दिन की छुट्टी देने के लिए और साथ में आपस में वार्तालाप करने के लिए पब्लिक पॉलिसी के लिए। अब जहां तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, यानी इसके इस पूरे मसले को एक कानूनी जामा देने की बात है और इस पूरे मसले को ट्रांसपेरेंसी के लिए एक बात है, तो केंद्र सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। ठीक है, 1500 कानून देश में पूरे ओवरहॉल किए गए हैं, कुछ को व्यवस्थित किया गया है, कुछ व्यवस्था में चल रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में व्यवस्थित हो जाएंगे, इस पर भी काम करेंगे। और ये कानून भी हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के एक हिस्से में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, ठीक है सर, आप पे ये आश्वासन ही रह जाएगा या फिर हकीकत में तब्दील हो पाएगा, आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव अग्रवाल जी, आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला। तो फिलहाल तो विधायकों को जिस तरह से छिपाया जा रहा है, क्या छिपाने के बाद भी चुनाव पार्टियां जीत पाएंगी, कौन सी जीत पाएगी, किसका तिकड़म आएगा काम, कौन किस पर पड़ेगा भारी, बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जो निकले, आप सभी का बहुत शुक्रिया, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।